हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे रियलमी 3 के साथ लेनोवो Z5S को। लेनोवो Z5S बहुत ही जल्दी आएगा इंडिया में, ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुका है। रियलमी 3 लीक्स के हिसाब से 2019 में लॉन्च होगा। दोस्तों, रियलमी 3 के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं है, फिर भी आज की इस वीडियो में एक्सपेक्टेशन लीक्स के हिसाब से क्या कुछ फीचर मिलेगा रियलमी 3 में, और कंपैरिजन करेंगे लेनोवो Z5S के साथ कौन सा फ़ोन में आपको बेस्ट फीचर मिलेगा, कौन सा फ़ोन के लिए आपको वेट करना चाहिए, प्राइसिंग क्या होगा, कब तक लॉन्च होगा इंडिया में दोनों फ़ोन्स, सारी डिटेल इस वीडियो में। सो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए टेक 42 चैनल को। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों फोन्स की डिस्प्ले डिजाइन के बारे में बात की जाए तो दोनों फोन्स वाटर ड्रॉप लाइक नॉच डिस्प्ले के साथ दिखने को मिलेगा। बैक साइड में लेनोवो Z5S फुल्ली ग्लास बॉडी डिजाइन के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप, LED फ्लैशलाइट, फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ दिखने को मिल जाएगा। रियलमी 3 आएगा दोस्तों पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ, ग्लॉसी फिनिश के साथ, और दोस्तों डुअल कैमरा होगा। फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से रियलमी 3 आएगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। दोनों फोन्स में आपको 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो की डिस्प्ले, ऑलमोस्ट स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 93% के साथ दिखने को मिल जाएगा। रियलमी 3 एमोलेड डिस्प्ले के साथ, IPS LCD डिस्प्ले के साथ लेनोवो Z5S दिखने को मिल जाएगा। दोनों फोन्स की रैम रोम चिपसेट के बारे में अगर बात की जाए तो लेनोवो Z5S स्नैपड्रैगन 710 ऑक्टाकोर चिपसेट के साथ 3 वेरिएंट का रैम रोम मिलेगा, 464GB, 664GB, 6/128GB इंटरनल मेमोरी के साथ लेनोवो Z5S जाएगा। और गाइस, रियलमी 3 आएगा मीडियाटेक लियो P90 के साथ, जो कि एक ऑक्टाकोर चिपसेट होगा, 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस होगा। वर्ल्ड का पहला फोन होगा रियलमी 3 जो कि मीडियाटेक लियो P90 के साथ लॉन्च होगा। दोस्तों, रियलमी 3 में आपको मिलेगा 3 वेरिएंट का रैम रोम, 464GB, 664GB लार्जर वेरिएंट, और एक होगा 8/128GB इंटरनल मेमोरी के साथ रियलमी 3 लॉन्च होगा। दोस्तों, रियलमी 3 एंड लेनोवो Z5S दोनों फोन्स की कैमरे के बारे में बात की जाए तो लेनोवो Z5S में आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप, बैक साइड में 16+8MP +5MP का कैमरा मिल जाएगा। लेनोवो Z5S में 4K रिकॉर्डिंग मिलेगा दोस्तों, ऑप्टिकल जूम मिलेगा, डेप्थ सेंसिंग कैमरा मिलेगा, सभी तरह का सेंसर दिखने को मिल जाएगा, फ्रंट फेसिंग कैमरा 16MP का दिखने को मिल जाएगा। रियलमी 3 में आपको मिलेगा 16+5MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा, फ्रंट साइड में आपको लीक्स के हिसाब से 25MP का फ्रंट फेसिंग कैमरे के साथ दिखने को मिल सकता है। AI फीचर दोनों फोन्स में ही आपको दिखने को मिल जाएगा। अब बात की जाए दोनों फोन्स की बैटरी के बारे में, लेनोवो Z5S में आपको मिलेगा 3300mAh की बैटरी, फर्स्ट चार्जिंग की सपोर्ट दिखने को मिल जाएगा, USB टाइप सी पोर्ट होगा। दोस्तों, लेनोवो Z5S में आपको फर्स्ट चार्जिंग मिलेगा लेकिन बैटरी थोड़ा सा कम मिलेगा। रियलमी 3 में आपको मिलेगा लीक्स के हिसाब से 4000mAh की बैटरी, लेकिन कोई भी कंफर्मेशन नहीं है दोस्तों, वो चार्जिंग के साथ दिखने को मिल सकता है इस बार रियलमी 3। दोनों फोन्स में आपको मिलेगा एंड्रॉयड 9.0 पाई आउट ऑफ द बॉक्स। रियलमी 3 में आपको मिलेगा कलर वे 6.0 और हो सकता है क्यूरियस UI के साथ दिखने को मिलेगा रियलमी 3। और गाइस, दोनों फोन्स में आपको सभी तरह का सेंसर दिखने को मिल जाएगा, इंक्लूडिंग फेस ID, फिंगरप्रिंट सेंसर, फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ लेनोवो Z5S, और दोस्तों रियलमी 3 आएगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। दोनों फोन्स में आपको डिज़ाइन काफ़ी सही दिखने को मिल जाएगा, फीचर वाइज प्राइसिंग के हिसाब से बहुत ही अच्छा फीचर दिखने को मिल जाएगा दोनों फोन्स में। अब बात की जाए प्राइसिंग के बारे में, लेनोवो Z5S की जो स्टार्टिंग प्राइस होगा चाइनीज़ प्राइस के हिसाब से 14,500 के आसपास में आपको 464GB वेरियंट दिखने को मिल जाएगा, 16,500 के आसपास में आपको दिखने को मिलेगा 64GB वेरिएंट, और जो लास्ट वेरिएंट होगा 6/128GB इंटरनल मेमोरी। इस फ़ोन का प्राइस होगा 19,500 के आसपास में आपको लेनोवो Z5S देखने को मिल जाएगा। रियलमी 3 की जो एक्सपेक्टेड प्राइस होगा इंडिया में अंडर 20,000 के आसपास, और दोस्तों मेरे हिसाब से लगता है कि इस बार रियलमी 3 का जो प्राइस होगा थोड़ा सा हाई होगा, क्योंकि इस बार आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा और दोस्तों मीडियाटेक लियो P90 जैसा चिपसेट मिलेगा। दोनों फोन्स ही काफ़ी अच्छा होगा प्राइसिंग के हिसाब से, बहुत ही बढ़िया फीचर के साथ दिखने को मिल जाएगा। दोनों फोन्स ही 2019 में बहुत ही कमाल का स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होगा बहुत ही जल्दी। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए टेक 42 चैनल को। नीचे कमेंट करके बोलिए अपना थॉट, अपना ओपिनियन, इन दोनों फोन्स में से कौन सा फ़ोन आपके हिसाब से बेस्ट होगा। सो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड टेक केयर।